हेलो, मेरा नाम है सज्जाद हुसैन और मेरी उम्र है 24 और मैं बिजनेस करता हूँ। मेरा मोमोज का बिजनेस है, मेरे साथ मेरी मम्मा रहती हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत फिल्मी हूँ और फिल्मों में मुझे सबसे ज़्यादा सबसे प्यारे और सबसे अच्छे इंसान लगते हैं रणबीर कपूर। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि जहाँ तक मैं बचपन से आज तक कॉलेज टाइम से आई थिंक मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैंने काफ़ी लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी हैं, जैसे अमिताभ साहब हैं, नसीरुद्दीन शाह जी हैं, कादर खान जी हैं, ओम पुरी जी हैं, शाहरुख खान जी हैं, सलमान खान जी हैं। तो सबके बारे में पढ़ने के बाद पता नहीं क्यों जब मैंने रणबीर कपूर जी के बारे में पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो शख्स है जिसको विरासत में सब कुछ हर क्वालिटी विरासत में मिलने के बावजूद भी वो बंदा इतनी मेहनत करके इस फील्ड में आए हैं। जैसा कि एक्टिंग से पहले रणबीर जी ने काफ़ी लोगों को असिस्ट किया था, जैसे कि संजय लीला बंसाली जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं उनकी ब्लैक फिल्म में उन्होंने उनको असिस्ट किया था। इतने बड़े स्टार की, इतने बड़े एक्टर की औलाद होने के बावजूद वो इस तरह से मतलब एक डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं और मेहनत करते हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सबसे पहला फैक्टर था कि उन्होंने मेरे दिल में बहुत ही बड़ी जगह बनाई। इसके अलावा रणबीर जी की जैसे बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी हैं, जैसे कि वो अपने हर आर्टिकल में हमेशा कुछ ना कुछ कोई ऐसा आर्टिकल लिखते हैं, ऐसे थॉट लिख देते हैं कि जो मेरे लिए इतनी बड़ी सीख बन जाता है कि मैं बहुत खुश रहता हूँ, बहुत खुश होता हूँ उनके आर्टिकल्स पढ़ने के लिए। और उनके इंटरव्यू में जो सादगी होती है और उनकी जो सोच जो वो बयां करते हैं अपने आर्टिकल से, वो बड़ी ही गजब होती है। इसके अलावा रणबीर कपूर जी के बारे में बहुत सारी ऐसी मज़ेदार बातें हैं जो मैंने पढ़ी हैं और जिसकी वजह से मैं उनको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी फिल्में, जैसे कि उन्होंने अपना जो करियर है स्टार्ट किया था सांवरिया से, और सांवरिया में उन्होंने जो काम किया है, इंटरवल तक जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा यार ये बंदा कौन है। मतलब प्रोमोज में हम देखते थे लेकिन जब थिएटर में एक्चुअल में उनके सीन्स देखे और जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग करी, इतनी एनर्जी, उससे पहले मैंने वो एनर्जी शाहरुख खान के बीच में देखी थी कि वो जिस तरह से हर गाने में, हर एक्टिंग में, अपनी हर एक्ट में जो एनर्जी डालते थे, फिर रणबीर कपूर जो है और भी ज़्यादा एनर्जी। तो मैंने कहा यार ये बंदा इतना इतना क्यूट और इतना डेडिकेटेड है कि इस बंदे ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और लेकिन जब फिल्म की एंड मैंने क्लाइमैक्स देखा तो मुझे बहुत बुरा भी लगा कि वो बंदा बेचारा एंड में उसको जो एक्ट्रेस है वो मिलती नहीं है, पर खैर वो फिल्मी बातें हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं और उन्होंने उनकी जितनी भी आज तक फिल्में आई हैं मैंने सब फिल्में थिएटर में देखी हैं। हमेशा कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूँ, लेकिन कभी कभार देख पाता हूँ, कभी कभार नहीं देख पाता हूँ। तो अभी फिलहाल मुझे अगली उनकी जो फिल्म है रॉकस्टार, वो फिल्म देखने का इतना मन है कि यार, और उसमें जो उनका लुक है गजब है। तो मैंने उसका फर्स्ट लुक देखा है। कई बार मैंने कोशिश की उनको कि यार बॉम्बे में रहता हूँ तो इसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो यार, मैं बंदे से मिलूँ। मगर एक बार मेरे फ्रेंड्स लोग हम सब मिल के फिल्म सिटी गए क्योंकि पता चला कि वहाँ पे उनकी शूटिंग हो रही है रॉकस्टार के ही दौरान। लेकिन गए हम लोग और एक वहाँ पे एक सेट बना था जिसके अंदर शूटिंग हो रही थी, तो हमें तो अंदर जाना अलाउड नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी बाहर बैठ के सब फ्रेंड्स वेट करते रहे। वेट किया 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 यार, मैंने कहा यार कभी दिख जाए यार, एक बार मुलाकात हो जाए। लेकिन हम उस दिन नहीं मिल पाए। उसके बाद फिर एक बार मौका मिला, हम लोग पृथ्वी थिएटर गए थे, वहाँ हम लोग सांताक्रूज से आ रहे थे। तो फ्रेंड ने सोचा कि यार वहाँ एक्टर लोग आते हैं तो एक्टर लोग को देखना, उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग जैसे ही वहाँ से आए, हमने पृथ्वी थिएटर में गए, लेकिन हम लोग ने देखा कि एकदम से वो पता नहीं प्ले देख के आए, एकदम से बाहर बॉडीगार्ड के साथ निकले। उस बार भी मैं उदास हुआ, मैंने कहा यार नहीं मिल पाया। तो बताना चाहूँगा कि रणबीर कपूर मेरे को बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे कभी एक बार ज़िंदगी में हो सके तो एक बार मुलाकात हो और मैं उनसे कुछ दिल की बातें जो उनसे शेयर कर पाऊँ। और जहाँ तक कि उनकी फिल्मों में मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी जो फिल्म लगी आज तक वो सांवरिया है। उसके अलावा उनकी और परफॉर्मेंसेस जो हैं, मैंने और भी फिल्मों में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आज तक जो मेरे लिए जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जगह बनाई वो सांवरिया। हालांकि सब फिल्मों में मुझे अच्छे लगते हैं। और उनकी और ख़ास बात यह है कि दान दक्षिणा में भी वो बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं
उन्होंने काफ़ी गरीबों की मदद भी की है, और ऋषि जी तो पहले से ही इन सब चीज़ों में बहुत आगे थे। तो वही गुण उन्होंने अपने फैमिली के संस्कार और अपने फैमिली के जो गुण हैं वो अपने में बहुत ही बाखूबी अपनाए हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि रणबीर जी आगे बहुत ही बड़े रॉकस्टार के बाद बहुत बड़े सुपरस्टार बने और बहुत नाम कमाए, और बूढ़े होने तक जो है अच्छी अच्छी फिल्मों में परफॉर्म करके मतलब लोगों को खुश करें, ऑडियंस के दिलों में जगह बनाए रखें। और जहाँ तक के मीडिया कई बार बोलती हैं कि उनके शादी को लेकर के, तो मैं चाहूँगा कि वो जल्दी शादी करें, अच्छे अच्छी तरह अच्छी लड़की के साथ शादी करें और अपना एक बहुत ही अच्छा परिवार बनाएं और आगे बढ़ते रहें। तो मुझे उनका गानों में, मैं अभी फ़िलहाल तुरंत ही एक गाना सुन रहा था, बहुत अच्छा गाना लगता है मुझे, मैं चाहूँगा कि आप भी सुनें क्योंकि मैं फिर से वो गाना सुनने जा रहा हूँ।